नमस्कार दोस्तों, यन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज का सवाल श्याम अक्षत जी का। सर, हमने स्टूडियो मास्टर AR6 के मिक्सर ऑर्डर किया है और इसमें इको है क्या? तो चलिए आज स्टूडियो मास्टर AR6 मिक्सर के बारे में पूरा रिव्यू करके दिखाएंगे। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एक कॉमेंट जरूर दीजिए। और सबसे पहले थोड़ा ये मेरा एक वीडियो आया है डीजा कावड़ी वाला सुपरहिट बोलबम भजन, जो उड़िया में शायद है, लेकिन आप इसको भी बीट्स इसको सुनिए और कैसा लगा लाइक करें और जरूर देखें ये वाला वीडियो को। तो चलिए देखते हैं इनका सवाल। स्टूडियो मास्टर AR6 सिक्स चैनल मिक्सर है ये। तो चलिए देखते हैं ये वाला स्टूडियो मास्टर की AR6 मिक्सर। देखने में पूरी इस तरह से आपको दिखेगी, इसकी साइड व्यू आप देख सकते हैं ऐसे। और देखिए सारे मिक्सर की जो कनेक्शंस हैं और जैसे कि सेटिंग्स है, अप्रोचेस सेम है। तो चलिए एक चैनल का हम दिखा देते हैं और सारा चैनल जल्दी जल्दी से हम देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको फ्रंट व्यू पे। फ्रंट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको माइक इन की मिल जाती है, जो कि आपकी XLR माइक इन है। और यहाँ पे आप देखिए कंडेंसर, कोई फैंटम पावर यहाँ पे नहीं है, इसलिए कंडेंसर माइक्रोफोन आप इसमें नहीं लगा सकते, आप नॉर्मल XLR माइक लगाएंगे। अब दूसरा लाइन इन है, यहाँ पे लाइन इन की सुविधा दी गई है और ये इस चैनल का गेन बढ़ाने के लिए है। अगर गेन आप ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो दो प्रॉब्लम होती है, एक तो आपकी क्लैरिटी घट जाती है इनपुट सिग्नल की, और दूसरी जो बात है क्लिप भी आ जाती है। तो इसीलिए इनपुट गेन कंट्रोल करके रखिए। अगर ज़्यादा नहीं बहुत कम इनपुट आ रहा है तो तब जाके इसको बढ़ाइए। और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे इक्वलाइजर सेक्शन है, हाई पास फिल्टर, हाई फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, तीनों फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है। हाई फ्रीक्वेंसी आप सबको पता है ट्रिबल है, मिड फ्रीक्वेंसी वोकल है, लो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बेस होता है। अगर आप बेस को बढ़ाना है तो इसको नॉब को क्लॉकवाइज इधर घुमाना है, और कम करना है तो नीचे रखना है। अगर आपको फ्लैट रखना है तो आपको अगर कुछ सेटिंग पता नहीं तो सब इसको फ्लैट ऐसे ही रखिए। और उसके बाद आपकी ऑक्स, यहाँ पे ऑक्स है, ऑक्स सेंड की भी दी गई है। यहाँ पे देखिए आपकी ऑक्स आउट यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और दूसरा जो है यहाँ पे इफेक्ट EFX की, जो इन्होंने कुछ प्रश्न किया था कि इसमें है कि नहीं है इफेक्ट्स, तो है यहाँ पे डिले इफेक्ट्स है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं डिले इफेक्ट्स यहाँ पे दी गई है, आप इफेक्ट सेक्शन में इसको देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आपको पैन, लेफ्ट राइट पैन दी गई है, PFL प्रीफेल्ड लिसन, मतलब इसको अगर दबाएंगे तो इस चैनल का आउटपुट आपको इस हेडफोन पे सुनने इनको मिलेगी और यहाँ पे आपको दिखेगी वो PFL का जो सिग्नल कितना आ रहा है। इस ये आपको इसीलिए चाहिए होगा, जब सपोज किसी कोई एक चैनल का आप आउटपुट देखना चाहते हैं तो ऐसे इंडिविजुअली आप क्रैक हो रहा है या क्लिप नहीं जा रहा है तो कितना है सिग्नल वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिविजुअल चैनल का। सो सारे छः चैनल ऐसे ही है, और इफेक्ट चैनल का वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे तब जाके इसमें आपको इफेक्ट्स आएगी, वरना नहीं आएगी। ऑक्स का वॉल्यूम के लिए यहाँ पे ऑक्स दी गई है, और यहाँ पे ऑक्स आउट आप ले सकते हैं कोई, और बाकी यहाँ पे लेफ्ट राइट आप ले सकते हैं TRS में, और मिक्स अगर लेफ्ट राइट चाहते तो XLR में भी आप ले सकते हैं। फ़ोन के लिए आप सुन सकते हैं फ़ोन का, CD के लिए यहाँ पे आपको CD भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। और दूसरा एक मॉडल इसका आता है जो हम एक ही इसी में दिखा देते, इसमें मास्टर आपके मिक्स है। और एक चैनल का बात हम दिखा देते हैं, और एक चीज़ आता है इसका वो वाला आप भी ले सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका 6U जो कि होता है USB ऑप्शन वाला होता है, जिसमें आपको USB मिल जाता है मीडिया प्लेयर। ये उससे 1000, वो अगर 10000 है तो ये 11000 समथिंग पड़ता है। तो ये आपको एक बहुत अच्छा मिल जाता है मीडिया प्लेयर रेडीमेड, तो 1000 में ये अच्छा है, आप इसको डायरेक्ट ले सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे इफेक्ट्स वही सेम चीज़ है, इफेक्ट्स है और हाई फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसी, और बाकी सारा सामान सेम है। यहाँ पे आपको ऑक्स आउट इधर दी गई है, और यहाँ पे मीडिया ऑन ऑफ के लिए दी गई है, और देखिए यहाँ तो यहाँ पे आपको CD इनपुट की भी फैसिलिटी दी गई है, CD डायरेक्टली आप इसको इनपुट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मिक्सर ये भी आप ले सकते हो। तो बाकी मीडिया के लिए यहाँ पे दी गई है, जो कि आप वॉल्यूम इसमें बढ़ा सकते हो, जो कि आप एक्स्ट्रा ऑप्शनल है, तो आप ये भी ले सकते हो 1000 ज़्यादा दे के। तो ये वाला मेरे ख्याल से ये वाला आपको और भी अच्छा रहेगा, वो भी आपका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में से इतना ही, प्राइस रेंज अगर देखा जाए वो 10500 है, ये आपको 11000 समथिंग पड़ेगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहे तो अमेजन से खरीद सकते हैं या डीलर से ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।